निमी जिले के बगाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिसलवास खुर्द में तापने के दौरान हुई कहासुनी को लेकर की रात्रि में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिला चिकित्सालय में शंभुलाल पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण के सर और पांव में गंभीर चोट आने के चलते उपचार जारी है। वहीं जानकीलाल सुतार ने जिला चिकित्सालय में जानकारी देते हुए बताया कि दो दिन पूर्व घर के बाहर तापने के दौरान मेरे भतीजे और गांव के ही रहने वाले प्रहलाद पिता महताब सिंह पटेल से मामूली कहासुनी हुई थी। दोनों परिवार के बीच आपसी सामंजस्य से मामला शांत हो गया था, लेकिन अचानक मंगलवार की रात्रि में प्रहलाद सिंह अपने 20-25 साथियों के साथ हमारे घर पर पहुंचा और पत्थरबाजी करते हुए मारपीट शुरू कर दी है, जिसमें हम 6-7 लोग एक ही परिवार के घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस एक घंटे बाद मौके पर पहुंची और हम सभी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गंभीर घायल का उपचार जारी है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अन्य घायलों को छुट्टी दे दी गई है। मामले में बगाना पुलिस ने जानकीलाल नागदा की रिपोर्ट पर प्रहलाद सिंह पिता महताब सिंह व अन्य 10 से 12 व्यक्तियों के खिलाफ व प्रहलाद सिंह महताब सिंह की रिपोर्ट पर जानकीलाल छगनलाल शंभुलाल आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे घर के सामने उसके परिवार के 2-3 बच्चे, मेरा भानेज बेटा था परसों रोज, तो हल्की फुल्की उसने मेरे भाई भानेज के मारी, पत्थर भी फेंके, 2-3 चांटे मारे। फिर मैंने मालूम पड़ा, मैं नीचे उतरा, मैंने बोला क्या बात हुई रे, तो बोले कि यहाँ गाय के लिए बैठे। मैंने बोला मेरे मकान के सामने नहीं बैठेंगे, किसके मकान के सामने बैठेंगे। जब तक उसके भाई और आ गए, हमारे भाई भी आ गए, विवाद नहीं करा कि यार आपस में एक गांव के अच्छा नहीं लगे और विवाद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे वापस में समझौता होगा। उनके भाई ने बोला आज छोड़ दो, अगली बार कोई भी करेगा तो इसके साथ हम भी नहीं रहेंगे, उनके भाई दोनों ने बोला। तो वहीं बात शांति मतदान हो गया था। फिर कल रात को इसने 7:15-7:30 के बजे प्रहलाद पिता महताब सिंह जी पटेल बिसलवास खुर्द के, उसका लड़का वापस 20-25 जने को लेके आया, 7-8 मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर भर के आए। हमको मालूम भी नहीं है, मैं घर के बाहर वो पत्थर से कर रहा था, मेरा नन निकाला पानी का, मेरे अंकल का लड़का था। जब तक ऊपर पत्थर वार करे, पूरा परिवार वाले को 4-5 जने को चोटें आई, भाई साहब को टाँके आए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, मेरे को भी हाथ के लगी, मिसेज को लगी, मेरे भाई अंकल के लड़के उनके लगी और मेरे भतीजे की लगी थोड़ी बहुत। कितने लोगों ने मारपीट करी और कितने घायल हुए? कम से कम 5-7 के चोटें आई और भाई साहब तो भर्ती है, उनको तो ट्रीटमेंट करवाया, घर भेजा, और मेरे भी हाथ फ्रैक्चर हुआ, ये अभी एक्सरे करवाया मैंने अभी। और आतंकवाद है वो, पुलिस में सेटिंग है, पुलिस वाले वो बोले पुलिस वाले क्या करेंगे, मैं आगे जाओ तुम। पुलिस वाले ने सर मेरी कम से कम 1 घंटा तक फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं करी, 1 घंटा देरी से आए पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले का फ़ोन कराया 100 नंबर पे डायल मारे के, वो भी नहीं आए, वो जवाब सवाल जवाब करे कौन से गांव से बोल रहे हो, कहाँ है ये गांव, नहीं है हम। मैंने बोला सर प्रशासन को मालूम नहीं है गांव कहाँ पे, तो हमको मालूम कहाँ रहेगा, आसपास के गांव आप क्षेत्र में आते हो आपको मालूम नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है सर। वो 1-1.5 घंटे से वो मगजमारी चली, लेकिन वो आए नहीं वहाँ पे मौके पे। फिर हमारा साधन लेके हम यहाँ निमज आए, उसके बाद वो वहाँ पे गए। फिर वो उसका सिर उसके कुछ भी नहीं लगी थी, मैं आया उस समय मेरे भाई साहब को लेके, उसके साथ वाले सब भग गए, एक साथ वाला बाण बड़ी का था वो वहाँ पे रुक गया था, वो और वो दोनों, वो उसके हाथ से सिर फोड़ के लाया, हमने किसके उसके किसी पत्थर नहीं मारा, वो उन्होंने पत्थर बहुत मारे और उसके हाथ से पत्थर काम में कम से कम कितने जने ने देखा, हाथ से फोड़ के लाया उसको माथा। मेरा नाम जानकीलाल नागदा।